पानसेमल पुलिस थाने पर 14 अप्रैल को ग्राम मत्राला के एक युवक ने रिपोर्ट दी, जिसके अनुसार 11 अप्रैल की रात्रि को उसकी नाबालिग बहन को कोई अज्ञात लड़का बहला फुसलाकर भगा ले गया। व्यक्ति की रिपोर्ट पर थाना पानसेमल द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में नाबालिग युवती के मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम तैयार कर नाबालिग युवती को ग्राम नांदेड़ महाराष्ट्र से बरामद कर महिला अधिकारी के द्वारा पीड़िता के बयान लिए गए। एक नाबालिग का अपहरण हुआ था कुछ दिनों पहले सर, कब की घटना है और क्या हुआ सर उस प्रकरण में? दिनांक 11/4/2022 को ग्राम मत्राला के निवासी ने एक सूचना दिया कि उसकी नाबालिग बहन उम्र 17 वर्ष की घर से कहीं बिना बताए चली गई है। सूचना पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवी का प्रकरण दर्ज किया गया था। मामला नाबालिग का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, SDOP महोदय के निर्देशन में मामले को गंभीरता लेते हुए एक टीम का गठन किया गया एवं लगातार सर्चिंग की गई एवं अज्ञात आरोपी का पता लगाया जाकर अपहर्ता को ग्राम नांदेड़ महाराष्ट्र से एक नाबालिग बाल अपचारी के कब्जे से छुड़ाया गया एवं उसके कथन महिला अधिकारी से कराए गए। उसके कथनों के आधार पर प्रकरण में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था, जिसमें धारा 376 एवं पास्को एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई एवं आरोपी को बाल न्यायालय के समक्ष बड़वानी में पेश किया गया था, जहां माननीय न्यायालय के आदेश से बाल अपचारी को बाल संरक्षण गृह झाबुआ जमा कराया गया है। धन्यवाद।